और बड़ी खबर, सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीए को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है, अधिसूचना जारी कर दी गई है सीए की। खबर आ रही थी कि आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा गृह मंत्रालय, और अब खबर पक्की, जारी हो गया है नोटिफिकेशन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके लिए पहले ही कह दिया गया था कि चुनाव से पहले सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन लेकर आएगी और ये लागू किया जाएगा, तो गृह मंत्रालय ने अब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सीए को लेकर, भारत में सीएए लागू हो गया है, गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी ऐसे लोग, ऐसे शरणार्थी जो पड़ोसी देशों से किसी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर के भारत में आए हैं और यहां पर छिप करके रह रहे हैं और माइनॉरिटी है वहां पे, किसी अत्याचार से परेशान होकर वो भारत में शरण चाहते हैं और यहां पर घुसपैठ करके रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अब नागरिकता सरकार देगी और इसके लिए बाकायदा जांच की जाएगी। प्रक्रिया रखी गई है, अलग से ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, आवेदकों को इस पर अप्लाई करना होगा, उसके बाद गृह मंत्रालय उनकी पूरी जांच करेगा और उसके बाद आगे पूरी प्रक्रिया पालन की जाएगी और फिर तय किया जाएगा कि नागरिकता किसको देनी है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट और पुरजोर तरीके से कह दी गई है और वो ये कि भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। यह कानून नागरिकता देने का कानून है, किसी से नागरिकता लेने का कानून नहीं है, और ये उन शरणार्थियों के लिए है जो भारत में आकर रह रहे हैं, पड़ोसी देश खासतौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां से आकर के रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कैंपों में वो रह रहे हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, किसी न किसी उत्पीड़न का शिकार होकर के आए हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या वो माइनॉरिटी है, उस आधार पर उनको कहीं दबाया गया हो, भारत में जिन्होंने शरण ली है, नागरिकता उनके पास नहीं है, सीएए के माध्यम से अब उनको नागरिकता दी जा सकेगी और उसके लिए सही पात्र कौन है ये गृह मंत्रालय तय करेगा। बिल्कुल, और इसके लिए एक पोर्टल भी हाल ही में जारी किया गया, पोर्टल तैयार किया गया है, उस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऐसे लोग जो कि भारत की नागरिकता चाहते हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में माइनॉरिटी है और वहां से परेशान होकर भारत में आए हैं या रह रहे हैं, जिन्होंने शरण ली है, छिपछिपा कर रह रहे हैं, अब वो उस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। 6 धर्म के लोग हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों ही देशों में अल्पसंख्यक हैं। इन 6 में हिंदू हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, सिख हैं। तो ये 6 जो धर्म के लोग हैं वो जब भारत आए हैं, जो साल 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें नागरिकता का रास्ता साफ हो जाएगा सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। साल 2019 में ही सीएए को लागू किया जाना था, तभी ये पास हो गया था, लेकिन देश भर में विवाद और विरोध को देखते हुए अभी तक लागू नहीं हो पाया था, अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। आज अधिसूचना जारी हो गई है, बड़ी खबर है ये कि अधिसूचना जारी हो गई है। अनुपम मिश्रा न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, बड़ी खबर है ये, चुनाव से पहले उम्मीद थी, कयास थे सीएए लागू होने के और हो भी गया, अधिसूचना जारी हो गई। देखिए मेनका, आपको भी याद होगा कि लगातार पिछले 7 दिन से जिस तरीके से अमित शाह लगातार तमाम मंचों पर इस बात को कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए की अधिसूचना जारी होगी और हर किसी को उस वक्त का इंतजार था, और आज जिस तरह से लगातार सुबह से ही इस बात के कयास थे कि आज सीएए की अधिसूचना जारी की जा सकती है, माना यह जा रहा था कि देर शाम तक ये अधिसूचना जारी होगी, लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि अधिसूचना जारी कर दी गई है सीएए की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात का जिक्र आपने किया कि अब से कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सीए को लेकर के अपनी प्लानिंग की थी लगातार, तो आप देख रही थी कि 2019 के बाद से लगातार जिस तरीके से सीए को लेकर के तमाम चीज थी और लोगों के अंदर जो सीए को लेकर के जो भ्रम था उसको सरकार ने काफी हद तक दूर करने की कोशिश की और जो प्रयास किए, क्योंकि लगातार इस तरह का मैसेज भी सीए को लेकर था कि नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन सरकार लगातार इस बात को साफ कर रही थी कि ये नागरिकता प्रदान करने के लिए सीए है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए है। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा 4 साल के अंदर चीजों को साफ किया गया और अब यहां पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जो इसके आगे जो अधिसूचना में तमाम चीजें होंगी उनको यहां पर देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि बिल्कुल अनुपम, क्या इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, ये किस तरह से लागू किया जाएगा, रूल्स ऑफ नोटिफिकेशन क्या है ये भी आप बता दीजिए, और साथ ही ये भी कि क्या गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होना है इसे लेकर, जिस तरह की बातें हो रही थी।
बात यहां पर यह, क्योंकि अभी चंद सेकंड पहले ही इसकी अधिसूचना जारी की गई है, तो अभी जैसे ही इसके बारे में जो तमाम पार्ट्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, तमाम जो चीजें रखी गई हैं इस अधिसूचना के बाद, वो सारी चीजें जैसे ही सामने आती हैं दर्शकों को वो सबसे पहले बताएंगे। जहां तक आपने कही अमित शाह के संबोधन की, तो देखिए जाहिर तौर पर जब अधिसूचना जारी की गई है तो उन सारी चीजों को केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री जरूर सामने रखेंगे। अब वो आज रखते हैं या कल रखते हैं यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल यह अधिसूचना जारी कर दी गई है, यह जानकारी हमारे पास आ गई है और जिसको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ सीए को लेकर के जिस तरीके से आपने देखा कि अमित शाह ने इससे पहले ही तमाम, चाहे इंटरव्यूज हो, तमाम टेलीविजन पर, अलग अलग जगहों पर इस बात को कह दिया था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सीए की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। और आज ये महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर यही है कि सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जैसा कि आपने सवाल किया मेनका, वो कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या क्या क्लॉज है, कैसे नागरिकता मिलेगी, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रावधान रखना होगा, क्या तरीका है उसका, कितने दिन का पीरियड क्लॉज है, ये सारी चीजें जो है कुछ ही देर में साफ हो जाएगी मेनका। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे बहुत से शरणार्थी जो कई सालों से भारत के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए अलग से कैंप हैं या फिर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर उनको रखा गया है, अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए, लेकिन वो प्रताड़ित हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पे हों या माइनॉरिटी हैं उस आधार पे हों, पर भारत में शरण चाहते हैं। बहुत साल बीत चुके हैं अनुपम, और बहुत सी जगह तो हमने ऐसे भी देखा कि उनके बच्चे भी यहां पर पैदा हुए हैं, तो उस आधार पर भी वो मांग करते हैं कि उनको नागरिकता मिले। तो ऐसे में प्रक्रिया क्या रहेगी और उसके बाद फिर किसको दी जाएगी, किसकी पात्रता है नहीं है, ये कैसे तय होगा? देखिए सबसे बड़ी बात आस्था यहां पर यह कि जिस तरीके से आप देखती हैं कि आप जो पूरा ये सीए को लेकर के जो प्रारूप तैयार किया गया है या तमाम जो चीजें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, जिनके पास नागरिकता नहीं है, और तमाम जो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे खाद्यान्न की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को नहीं मिलता। यानी कि जब ओवरऑल भारत की फिगर्स के पॉइंट आउट होती है और जो परसेंटेज निकाली जाती है उसके आधार पर जब तमाम चीज़ें होती हैं, तो ऐसी लोगों की संख्या जो है वो आंकड़े को एक तरह से कहा जाए कि मिसमैच। बिल्कुल अनुपम, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। तो बड़ी खबर है, सीएए की अधिसूचना जारी हो गई है, 2019 में पास हुआ था, अब अधिसूचना जारी हुई है, यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी हो गई। 31 दिसंबर 2014 से पहले तीन देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारत में आकर किसी तरह से रह रहे हैं छिपछिपाकर या कहीं शरण में, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए अब अप्लाई कर सकेंगे, चाहे वो सेंटर्स पर जाकर अप्लाई करें या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई करें। उनकी जांच की जाएगी कि वो वाकई कहां से आए हैं, वाकई उनके साथ कोई परेशानी हुई थी, किस उद्देश्य से भारत में आए, इन तमाम बातों की गृह मंत्रालय जांच करेगा और उसके बाद भारतीय नागरिकता उस शख्स को मिल जाए।